सभी पोल्ट्री फार्मर्स को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर नाडगौड़ा वेंकीज इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। मैं आज लेयर फार्मिंग के बारे में, अच्छा एक प्रोडक्शन लेइंग शेड में कैसा ले सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये लेक्चर सीरीज में मैं जनरल बातें करूंगा, कुछ सर्वसाधारण बातें करूंगा, और उसके बाद में जो लेक्चर करेंगे उसी में अपन स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले, अभी जो लेयर बर्ड हमारे पास में है उसकी कई सारी खूबियां है, जैसे कि प्रोडक्शन, पीक लेवल प्रोडक्शन 96-97% मिलता है, 90% के ऊपर प्रोडक्शन लगभग 35-36 वीक से ज्यादा रहता है, और 16-17 हफ्ते में एक प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। 80 हफ्ते से ज्यादा ये मुर्गी अंडा दे देती है, और 125 ग्राम प्रति अंडा इतना फीड लगता है। एक अंडा तैयार करने के लिए 125 ग्राम फीड ऑन एन एवरेज ये बर्ड्स को लगता है। अभी जो लेयर बर्ड अपन संभालते हैं उसको 80 हफ्ते से ज्यादा अपन रखते हैं, और 80 हफ्ते से ज्यादा उसको रखने के लिए हमको क्या चाहिए? तो ज्यादा एक प्रोडक्शन एक नंबर मिलता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, अंडे का वजन ज्यादा हो जाता है, योक का ज्यादा आउटपुट लगता है, और उसमें एक्सेल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कैल्शियम भी ज्यादा मात्रा में लगता है, क्योंकि बर्ड्स अभी अपन 80 से लेके 100 हफ्ते तक रखते हैं। अच्छा एक प्रोडक्शन मिलने के लिए हमको जरूरी क्या है कि जैसे मैनेजमेंट है, गुणवत्तापूर्ण खाना या खाद्य बर्ड को मिलना चाहिए, अच्छा शेड का क्लाइमेट रहना चाहिए, वातावरण रहना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि बीमारी अपने शेड में ना आए इसके लिए अच्छी तरह से उचित प्रतिबंध होना बहुत जरूरी है अच्छा प्रोडक्शन मिलने के लिए। और उपरोक्त सभी चीजें आवश्यक और योग्य मात्रा में मिलने के बाद ही बर्ड का जेनेटिक पोटेंशियल हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी कमी है तो अपने बर्ड का जेनेटिक पोटेंशियल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं होता, और परिणाम अपने को कम अंडे मिल जाते हैं। अभी अंडे के उत्पादन के ऊपर असर करने वाले घटक कौन से हैं? तो उसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि खराब क्वालिटी के पुलेट, जो पुलेट्स का बॉडी वेट कम है, वेरिएशन ज्यादा है, उसके बाद में खराब खाना जिसके बैलेंस नहीं है, न्यूट्रिशन प्रोटीन कम है, एनर्जी कम है, या बाकी के जैसे अमाइनो एसिड्स है, लाइसिन है, मिथ्यूनिन है, इसका बराबर मात्रा में बैलेंस नहीं है तो भी प्रॉब्लम आता है। फिर कुछ बीमारियां रहती है कि जैसे आरडी है, कोला है, माइकोप्लाज्मा है, फिर पानी का क्वालिटी, पानी अगर अच्छी तरह से सैनिटाइज नहीं किया उसमें कोला है तो प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि हमको एक प्रोडक्शन में दिक्कतें आती है, तभी हमको एक प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता, और ब्रूडिंग ग्रोइंग में इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छा बर्ड्स आगे जाके लेइंग में बनाए। अब अच्छा लेइंग बर्ड कैसे बनाते हैं? तो अच्छा लेइंग बर्ड बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अच्छी क्वालिटी की पुलेट तैयार करना। और अच्छी क्वालिटी की पुलेट का जरूरी क्यों है, तो अच्छा क्वालिटी का पुलेट अगर तैयार होता है तो बर्ड्स का प्रोडक्शन राइट टाइम शुरू हो जाता है, अंडे का साइज अपने को जो चाहिए वो हिसाब से बढ़ता है, ताकि पुलेट अंडे और छोटे अंडे कम मिले और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है अंडे का। मतलब जैसे कि 80 हफ्ते में अपने को 375+ अंडा मिल जाता है, और अगर आपकी पुलेट अच्छी नहीं है, खराब है, तो वो पुलेट से उसको अच्छा लेयर बर्ड बनाना बहुत मुश्किल है। उसको खराब पुलेट से अच्छा लेइंग बर्ड नहीं बन पाता, इसलिए पुलेट अच्छा होना बहुत जरूरी है। अभी पुलेट में हमको इम्पोर्टेंट या जरूरी चीजें कौन सी है, तो पुलेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बॉडी वेट है, दूसरी चीज क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। और अच्छा बॉडी वेट है तो भी नहीं चलता, हमको बॉडी वेट के साथ साथ उसमें यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी अच्छी रहनी चाहिए मतलब क्या है, बर्ड्स के बॉडी वेट में कम से कम वेरिएशन रहना चाहिए। कम से कम वेरिएशन मतलब आपकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी है, और अगर बर्ड्स में वे बॉडी वेट में वेरिएशन ज्यादा है तो बर्ड्स का यूनिफॉर्मिटी अच्छा नहीं है, और ये आगे जाके हमको पीक प्रोडक्शन में तकलीफ देता है। कि जैसे अगर वेरिएशन ज्यादा है तो पीक प्रोडक्शन 96-97 तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आती है, उसके लिए हमको फिर
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप उसको अच्छा पुलेट या अच्छा लेयर बर्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी और बॉडी वेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। ये दोनों चीजों इंपॉर्टेंट तो ये चीजें है, लेकिन उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो बर्ड्स का पहले स्केलेटन डेवलपमेंट होना अच्छा जरूरी है, उसके बाद में बर्ड का फ्लेशिंग मतलब मसल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, दूसरी चीज क्या है कि उसमें फैट डिपोजिशन कितना है बर्ड्स में, वो भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद में सेक्सुअल मैच्योरिटी, सारे बर्ड्स की सेक्सुअल मैच्योरिटी लगभग एक समय में अगर होती है तो हमको एक प्रोडक्शन मिलने में बहुत कम कठिनाइयां आती है, या बहुत आसान हो जाता है हमको अच्छा एक प्रोडक्शन मिलना अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी बर्ड्स की एक साथ होती है तो। अभी दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि प्री ले, जैसे कि हम प्री ले बोलते हैं कि ये पीरियड है अंडा मिलने के पहले 10 दिन का जो पीरियड रहता है उसको प्री ले बोलते हैं, और ये प्री ले स्टेज में प्रॉपर ब्रेस्ट मसल डेवलपमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, अगर आपके बर्ड्स का प्रॉपर ब्रेस्ट मसल डेवलपमेंट हुआ है, जैसे पिक्चर में दिखाया है 18 हफ्ते का, 16 हफ्ते का, 12 हफ्ते का, वो हिसाब से हुआ है तो ये आपको बता देता है कि आपका पुलेट अच्छी तरह से तैयार हुआ है। दूसरी चीज क्या बताता है कि ये बताता है आपको कि आपके पुलेट से आपको आगे जाके अच्छा एक प्रोडक्शन इसमें मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर ब्रेस्ट मसल बर्ड्स का अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुआ है और ओवरऑल मसल डेवलपमेंट अच्छा है तो उसमें क्या हो जाता है, ये मसल्स में ग्लाइकोजन रहता है और ये ग्लाइकोजन बर्ड्स को एनर्जी सोर्स करके यूटिलाइज किया जाता है एक प्रोडक्शन के टाइम पे, इसलिए बहुत जरूरी है। और जो बर्ड्स में अंडे पे आने के टाइम पे या पुलेट में मसल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, उसमें क्या होता है फिर सफिशियंट एनर्जी बर्ड को एक प्रोडक्शन के लिए नहीं मिलती, कि जैसे ग्लाइकोजन कम रहता है, मसल्स कम है, ग्लाइकोजन कम है, तो फिर एनर्जी भी कम मिलेगी तो एक प्रोडक्शन में भी बर्ड्स को दिक्कत आती है। तो इसीलिए प्रॉपर ब्रेस्ट मसल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूँ कि जैसे आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर में आप देखेंगे तो ब्रेस्ट मसल काफी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं हुआ, ये मसल्स ही नहीं है बर्ड्स को, खाली स्केलेटन लग रहा है, वो हड्डियां दिख रही है। तो ये हिसाब से अगर हम ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर तो हमको ये बाद में एक प्रोडक्शन अच्छा मिलने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें क्या हो जाता है, अगर समझो बराबर तरीके से पुलेट डेवलपमेंट नहीं हुआ तो पुलेट का बॉडी वेट कम हो जाता है, फिर फीड इनटेक कम रहता है, जैसे कि 17-18 हफ्ते के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी 100 ग्राम फीड कंजम्पशन हो जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फीड कंजम्पशन 90 ग्राम 95 ग्राम रहता है और बर्ड का प्रोडक्शन 96-97% रहता है। ये फ्लॉक आगे जाके 35 वीक के बाद में ये फ्लॉक प्रोडक्शन में ड्रॉप करते हैं। तो इसीलिए बर्ड्स का बॉडी वेट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है और फीड कंजम्पशन जितना जल्दी 100 ग्राम हो जाएगा पर दिन का पर बर्ड उतना अच्छा है। दूसरी चीज क्या है कि लेइंग में वेट गेन बहुत कम होता है, ज्यादा वजन बढ़ता नहीं एक बार अंडा शुरू हो गया तो, और तो फिर ये मुश्किल हो जाता है कि जो छोटे बर्ड्स है वजन कम है वो आखिर तक तो छोटे रहने की संभावना होती है और ब्रेस्ट मसल भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए हमको ये देखना जरूरी है कि बर्ड्स का प्रॉपर ब्रेस्ट मसल डेवलपमेंट वगैरह होने की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद में प्री लेयर में जैसे मैंने बोला कि फैट पैड चाहिए, प्रॉपर ब्रेस्ट मसल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए क्या करना चाहिए, हाई एनर्जी फीड बर्ड को देना चाहिए, उसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल 1 से लेके 1.5% आप ऑयल डाल सकते हैं, मतलब 10 किलो से लेके 15 किलो पर टन के हिसाब से आप ऑयल इसको 2 हफ्ता 16-17 हफ्ता अगर दे देते हैं तो बर्ड्स का प्रॉपर बॉडी वेट मिलता है, फैट पैड डिपोजिशन हो जाता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि बर्ड्स को एक प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी आसानी से मिल जाती है। अभी एनर्जी, जब भी आपने एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी लगती किसके लिए है, एक तो बर्ड्स के बॉडी के मेंटेनेंस के लिए लगती है, दूसरी चीज ग्रोथ के लिए लगती है मतलब बर्ड्स का बॉडी वेट जो बढ़ता है उसके लिए लगती है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लगती है एक प्रोडक्शन के लिए।
वो और बाकी चीजों के भी लिए भी लगती है, जैसे फीदर डेवलपमेंट है इसके लिए भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस पहला नंबर, दूसरा नंबर ग्रोथ, और तीसरा नंबर जो है वो एक प्रोडक्शन के लिए। और ये एनर्जी बर्ड्स कितना खाता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, एक तो बर्ड्स का बॉडी वेट क्या है, आपने फीड में एनर्जी कितनी रखी है, दूसरी चीज बर्ड का फीड कंजम्पशन पर डे का कितना है, फीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरे बर्ड्स के सामने एक समान फीड मिल रहा है क्या, सब बर्ड को 100 ग्राम कंजम्पशन है इसका मतलब हर बर्ड 100 ग्राम फीड खा रहा है क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर कम है, ठंडी का मौसम है तो बर्ड ज्यादा फीड खाएगी, और अगर गर्मी का मौसम है तो बर्ड फीड कंजम्पशन कम करेगी। तो वो हिसाब से हमको फीड में एनर्जी लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, फीड जो हम बर्ड को देते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो आपके इसमें फीड में एनर्जी कितना रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझो आपने 2650 या 2700 किलो कैलोरी एनर्जी फीड में रखा हुआ है, तो बर्ड हो सकता है कि 100 ग्राम में बर्ड का एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। दूसरी चीज की जैसे कुछ फीड में क्वालिटी इंग्रेडिएंट अच्छे नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें टॉक्सिसिटी या माइकोटॉक्सिन्स या कुछ आ रहा है, तो भी बर्ड का फीड कंजम्पशन कम हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर समझो आपने फीड को बहुत ज्यादा ग्राइंड किया, मतलब पाउडर हो गई, तो भी बर्ड का फीड कंजम्पशन कम हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है, हम बर्ड को कितना फीडर स्पेस दिए है खाने के लिए, और फीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आप कितनी बार फीड डाल रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे, उसके ऊपर बर्ड को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे फीड खाने के लिए, तो ये सारी चीजें फीड कितना बर्ड खाता है इसके ऊपर असर करती है। जो फीड में से जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं फिलहाल, उसमें क्या हो जाता है, 30 हफ्ते तक आपके बर्ड का जितना भी एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है उसमें से 60% मेंटेनेंस के लिए लगता है, और 30 हफ्ते से बाद लगभग 65 हफ्ते तक ये बर्ड्स को 75% जो फीड है वो मेंटेनेंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। मतलब क्या है, पहला प्रायोरिटी जैसे मैंने बताया, पहला प्रायोरिटी मेंटेनेंस रहता है, और ये मेंटेनेंस में जैसे जैसे बर्ड की एज बढ़ जाती है वैसे वैसे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों, कि बर्ड का बॉडी वेट जो शुरू में अंडा देना स्टार्ट हो जाता है वहां पे 1.2 kg होता है, वो आखिर में जाके 1.5-1.45 तक हो जाता है, तो वो हिसाब से मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बर्ड की जैसे एज बढ़ती है वैसे बढ़ जाता है। तो वो ये चीजें ध्यान में रखना फॉर्मुलेशन बनाते टाइम बहुत जरूरी है। क्यों इतना जरूरी है ये, तो जो भी बर्ड का कंजम्पशन है उसमें 30% जो बर्ड डेली का फीड खाता है, तो वो 30% खाली 30% न्यूट्रिएंट्स ही बर्ड को एक अंडा बनाने के लिए लगते हैं, और बचा हुआ 70% है जो मेंटेनेंस के लिए लगता है 100 ग्राम से भी ज्यादा। समझो अगर आपके बर्ड का कंजम्पशन 110 ग्राम है, तो उसमें से 30% बर्ड को खाली लगेगा एक अंडा तैयार करने के लिए, और बचा हुआ लगेगा बर्ड की ग्रोथ और मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए। इसीलिए एनर्जी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बर्ड का रहता है लगभग 265 से लेके 280 किलो कैलोरी एनर्जी बर्ड को डेली लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, कौन सा सीजन चल रहा है, समर या गर्मी के सीजन में थोड़ा सा कम होता है 265-270, या विंटर जैसे कि ठंडी का मौसम रहता है तभी ये कंजम्पशन 275-280 किलो कैलोरी तक चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है फिर फॉर्मुलेशन करते टाइम में, आप कौन से सीजन में अपन बर्ड्स को फॉर्मुलेशन दे रहे, गर्मी है, ठंडी है, बारिश का मौसम है, वो हिसाब से। और शुरू में क्या होता है, जैसे फीड कंजम्पशन कम रहता है वो टाइम पे हमको फीड में ज्यादा एनर्जी रखना जरूरी है। अगर ज्यादा एनर्जी रखते हैं तो बर्ड का कंजम्पशन प्रॉपर हो जाता है, उसको जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी मिल जाता है। और जैसे जैसे बर्ड का एज बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसको धीरे 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 आप एनर्जी कम करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, अगर एनर्जी आप सेम एनर्जी रखोगे कंटिन्यूअसली तो आखिर में जाके अंडे का वेट बढ़ जाता है, और अंडे का वेट बढ़ गया मतलब अंडे की साइज बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद में फिर सेल ब्रेकेज वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है। तो एनर्जी शुरू में ज्यादा रखना है और बाद में उसको धीरे धीरे कम करते जाना है। एनर्जी के बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ये अमाइनो एसिड्स है।
तो लाइसिन क्या है, लाइसिन ये ग्रोथ के लिए लगभग 30-35 हफ्ते तक लेयर बर्ड की ग्रोथ हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वहां तक लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि 0.75% आप उसमें लाइसिन रखो बर्ड्स को, तो क्या हो जाता है कि उसको ग्रोथ के लिए ये फायदेमंद रहता है, बर्ड्स का बॉडी वेट बढ़ जाता है, अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है, ताकि उसको अपन 100 हफ्ते तक बिना कोई प्रॉब्लम आए रख सकते हैं। और मिथियोनिन है, मिथियोनिन इज इम्पोर्टेंट फॉर क्या है कि अंडे की साइज के लिए और एक प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए मिथियोनिन बहुत जरूरी है। अगर आप मिथियोनिन बहुत कम रखोगे तो आपके एक प्रोडक्शन के ऊपर असर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मिनिमम 0.28 इतना मिथियोनिन बर्ड को डेली मिलना चाहिए ओल्ड लेयर्स में, यंग लेयर्स में उससे ज्यादा लगता है, कभी 0.4, 0.42 तक आप उसको दे सकते हैं। तो शुरू में जब भी बर्ड एक प्रोडक्शन शुरू करता है तभी फीड कंजम्पशन कम रहता है, तो वो टाइम पे आपको फीड में ज्यादा लाइसिन मिथियोनिन ये चीजें रखनी चाहिए। और 30-35 हफ्ते तक जैसे कि बर्ड्स का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको ये आपके बर्ड का प्रोडक्शन कितना है, अंडे का वजन कितना है, इसके हिसाब से लाइसिन मिथियोनिन का लेवल एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप जो बर्ड्स का रिक्वायरमेंट है उससे 5% ज्यादा रखते हैं लाइसिन मिथियोनिन ट्रिप्टोफैन वगैरह, तो आपको बेटर प्रोडक्टिविटी या अच्छा एक प्रोडक्शन इससे मिल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा समझो, बर्ड्स का रिक्वायरमेंट 0.7 है, तो आप उसको 0.71, 0.72 वगैरह रखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। दूसरी चीज, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। प्रोटीन कभी भी ज्यादा नहीं देना चाहिए, बर्ड्स का रिक्वायरमेंट शुरू में भी 17 ग्राम पर डे के ऊपर नहीं है। तो बहुत बार हो जाता है ऐसा कि प्रोटीन ज्यादा देने से प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन आप बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है शुरू में लगभग 16.5 ग्राम प्रोटीन बर्ड्स को सफिशियंट है फेज वन में, लगभग 18 हफ्ते से लेके 25 हफ्ते तक, और उसके बाद में आप उसको 16% करो, 16% आप उसको 50 हफ्ते तक रखो, 50 हफ्ते के बाद में आप उसको 15.5 करो, और 70 हफ्ते के बाद में उसको आप 15, 14.5 भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा करते टाइम आपको लाइसिन मिथियोनिन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो प्रोडक्शन में आपको ड्रॉप मिलेगा। और ज्यादा प्रोटीन खिलाने से क्या हो जाता है, ज्यादा प्रोटीन खिलाने से भी आपके अंडे की साइज बढ़ जाती है, बर्ड्स एक की साइज बढ़ जाती है, और अंडे की साइज बढ़ गई तो आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ब्रेकेज वगैरह ये चीजें हो जाती है, उसके बारे में अपन कई दूसरे लेक्चर में बात करेंगे एक साइज और सेल ब्रेकेज के बारे में। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि बर्ड को ज्यादा प्रोटीन देना नहीं है, ज्यादा प्रोटीन मतलब ज्यादा प्रोडक्शन ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बर्ड का आपके बॉडी वेट, जब भी बर्ड अंडा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तभी क्या होता है ना, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपने फीड कितना दिया है, फीड में प्रोटीन एनर्जी अमाइनो एसिड लेवल क्या रखा है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सारी चीजें क्या है कि ये चीजें आपके बर्ड्स के एक साइज डिसाइड कर देती है, कि आपके बर्ड्स के एक छोटे मिलने वाले, बड़े मिलने वाले हैं, पुलेट ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे, ये निर्भर करता है बर्ड का अंडे पे आने के टाइम का बॉडी वेट, उसको फीड कंजम्पशन कितना है, प्रोटीन कितना है, अमाइनो एसिड्स कितने हैं, और एनर्जी कितनी मिल रही है। दूसरी एक चीज रहती है लिनोलिक एसिड, भी अंडे की साइज के ऊपर असर करता है, लेकिन 1% लिनोलिक एसिड सफिशियंट है, उससे ज्यादा देंगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। और लिनोलिक एसिड बढ़ाने के लिए आपके पास में क्या है सॉल्यूशन, तो आप इसमें राइस पॉलिश डाल सकते हैं, और अगर राइस पॉलिश आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप 1% अगर ऑयल डालते हैं, कौन सा भी वेज ऑयल जैसे कि सोया क्रूड ऑयल है, राइस ब्रैन ऑयल है, तो आपको ये 1% से ज्यादा लिनोलिक एसिड का लेवल फीड में आ जाएगा, और उसकी वजह से अंडे की साइज प्रॉपर जल्दी हो जाएगी, कि ताकि पुलेट अंडे और छोटे अंडे कम मिल जाते हैं। ये कुछ सजेस्टेड अमाइनो एसिड्स का लेवल है, लेयर्स के लिए सजेस्ट किया हुआ है कि जैसे ज्यादा कितना, मैक्सिमम कितना देना है, एवरेज कितना है, और मिनिमम कितना है, तो वो हिसाब से ये एवरेज वाला जो कॉलम है बीच वाला वो आप पकड़ के रख सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि लाइसिन 750 मिलीग्राम पर डे
मिथियोनिन 375 मिलीग्राम पर डे, और इम्पोर्टेंट कौन सा है दूसरा, मिथियोनिन प्लस सिस्टीन, जैसे कि 645 मिलीग्राम पर डे बर्ड को मिलना चाहिए। मतलब जितना आप लाइसिन रखोगे उससे 85-86% आपको मिथियोनिन और सिस्टीन रखना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथियोनिन लाइसिन और मिथियोनिन प्लस सिस्टीन। इसमें मिथियोनिन अगर आप 100 रखते हैं तो मिथियोनिन 50% रखो, समझो आपने यहाँ पे 800 रखा तो 400 मिथियोनिन 400 मिलीग्राम लगेगा, तो वो हिसाब से इसको एडजस्ट करना। ये सजेस्टेड लेवल है, इससे कम ज्यादा हो सकता है, तो आपने बर्ड का प्रोडक्शन, बॉडी वेट, फीड कंजम्पशन, ये सारा कंसिडर करके हमको इसको एडजस्ट करना है फीड में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती आती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, जिसको आप मिनरल्स है जो भी उसके लिए, तो इसके लिए क्या है कि हमको बर्ड्स को लेयर को ब्रूडिंग और ग्रोइंग में तैयार करना बहुत जरूरी है। 11 हफ्ते तक बर्ड का स्केलेटल डेवलपमेंट तैयार हो जाता है, बॉडी फ्रेम बन जाता है, इसीलिए ब्रूडिंग ग्रोइंग में ध्यान देना 11 हफ्ते तक बहुत जरूरी है। उसका बॉडी वेट प्रॉपर होना चाहिए, उसका स्केलेटन अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए, और उसका फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, छोटा फ्रेम बन गया तो बर्ड छोटा रहता है, खा नहीं सकता, और उसके बाद में फिर लेइंग में दिक्कत आ जाती है। और जैसे मैंने बोला कि प्रीले आपको 10-14 दिन पहला अंडा आने के पहले 10-14 दिन तक प्रीले देना है, या अगर समझो आपको ये नहीं हो जाता है तो रफली या जनरली आप उसको 16 हफ्ता और 17 हफ्ते में प्रीले फीड खिला सकते हैं, कि जिसमें 2.5% कैल्शियम रहेगा, 0.45% अवेलेबल फॉस्फरस रहेगा, 2650 एनर्जी रहेगी, 16.5% प्रोटीन रहेगा, वो हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। और ये जरूरी क्यों है ये टाइम पे, तो यहाँ पे ये मेडुलरी बोन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ये मेडुलरी बोन्स क्या होते हैं कि मेडुलरी बोन्स जो लंबे बोन रहते हैं बर्ड्स के शरीर में, तो उसमें क्या हो जाता है, मेडुलरी बोन बनना शुरू हो जाता है, और उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और वो कैल्शियम फिर बर्ड्स के एक प्रोडक्शन जब भी शुरू हो जाता है तो वहां पे एज अ कैल्शियम सोर्स वो काम करता है। तो इसलिए मेडुलरी बोन डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। 16 से लेके 20 हफ्ते तक बर्ड्स के मैनेजमेंट में, न्यूट्रिशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और उसको अगर 16 से 20 हफ्ता आप बहुत ध्यान से उसको संभालेंगे तो आपको आगे जाके बहुत कम दिक्कतें आती है, बीमारियां कम आती है, प्रोडक्शन अच्छा रहता है, साइज अच्छा मिल जाता है, कंजम्पशन मेंटेन रहता है। तो इसके लिए हमको ये चीजें 16 से 20 हफ्ते में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे बर्ड्स का एज बढ़ जाता है वैसे आपको कैल्शियम बढ़ाना है और फास्फोरस को कम करना है, नहीं तो क्या हो जाता है, अगर कैल्शियम बढ़ाएंगे फास्फोरस भी बढ़ाएंगे, दोनों बढ़ाएंगे तो इम्बैलेंस हो जाता है कैल्शियम फास्फोरस में, और ज्यादा तकलीफें फिर एक्सेल क्वालिटी लेके हो जाती है, ब्रेकेज बढ़ जाता है। और इसमें आपको जो भी कैल्शियम आप फीड में डाल रहे हैं उसमें कॉम्बिनेशन रखना है दोनों का भी, पाउडर फॉर्म और बड़ा वाला पत्थर, मतलब LSP अगर आप डालते हैं LSP पाउडर तो उसको लगभग शुरू में 25-30 हफ्ते तक आप उसको 30% पाउडर डालो, 70% आप पत्थर मतलब बड़ा वाला जो भी है मार्बल ग्रिट है स्टोन ग्रिट है उसको डालो, फिर 30 हफ्ते से लेके 50 हफ्ते तक 55 हफ्ते तक आप 25% पाउडर रखो और 75% आप बड़ा वाला पत्थर स्टोन ग्रिट। उसके बाद में आप 60 हफ्ते के बाद में बर्ड्स को 20% पाउडर रखो और 80% आप उसमें बड़ा पत्थर रखो, और उसके बाद में चाहिए तो अगर आप 75 वीक्स के बाद में 15% पाउडर और 85% आप उसमें बड़ा वाला स्टोन या मार्बल या सेल ग्रिड जो भी है आप वो रख सकते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान में रखना कि अगर आजकल जो भी मार्बल स्टोन है या स्टोन ग्रिट है वो क्या होता है परफेक्ट 3 mm 4 mm 5 mm की साइज में आता है, और अगर वो साइज में आप परचेस करते हैं तो उसको आपको डायरेक्ट मिक्सर में डालना है, उसको ग्राइंडर में डालने की जरूरत नहीं, ग्राइंडर में डालेंगे तो पाउडर हो जाएगा, तो इसीलिए उसको मिक्सर में आप डायरेक्ट डालेंगे तो अच्छा है, इसका आपको एक एक्सेल क्वालिटी के लिए फायदा हो जाता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अच्छा एक प्रोडक्शन मिलने के लिए क्या है कि बर्ड्स के लीवर का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि वो तो अंडे का प्रोडक्शन जो होता है इनिशिएशन वो लीवर से हो जाता है, तो इसीलिए क्या है
ये लीवर जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है अच्छा एक प्रोडक्शन मिलने के लिए। और ये जो बर्ड अपन 100 हफ्ते तक हम रख रहे हैं उसके लिए तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लीवर का हेल्थ अच्छा रहो इसीलिए आप अच्छी तरह से उसमें फीड फॉर्मुलेशन में आप लीवर टॉनिक रखो, पानी में हर महीने में एक हफ्ता पानी में लीवर टॉनिक दे दीजिए एक हफ्ते के लिए, तो बर्ड्स का लीवर हेल्थ अच्छा रहेगा। टॉक्सिन बाइंडर अच्छा रखो ताकि कोई भी टॉक्सिन ना आ जाए और वो लीवर के ऊपर अटैक ना करे। तो लीवर हेल्थ और लीवर अगर अच्छी काम करता है तो क्या होता है, अंडे का वजन, प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन में ऊपर नीचे होना, ये बर्ड्स के अंडे की एक्सेल क्वालिटी, मॉर्टेलिटी, फीड कन्वर्जन, ये सारी चीजों के ऊपर लीवर अगर अच्छा है तो अच्छी तरह से परिणाम होता है। तो इसलिए लीवर का हेल्थ अच्छा रहे इसके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फैटी लीवर क्या हो जाता है कि बहुत बार क्या होता है, फीड में अगर ज्यादा एनर्जी आप रखते हो, फैटी बर्ड्स है या बर्ड्स टेम्परेचर ज्यादा है तो फैटी लीवर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमको बर्ड्स को शुरू से एनर्जी कंट्रोल, एनर्जी देते टाइम ध्यान में रखना है कि ये ज्यादा का एनर्जी बर्ड्स को फैटी ना बनाए, तो वो हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एनर्जी और लाइसिन का रेशियो कितना मेंटेन कर रहे हैं, वो रेशियो अगर आप प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली फैट डिपोजिशन होने का चांसेस कम हो जाता है। और एक्सेल क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट है दूसरा विटामिन D3 जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये D3 का मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है, इसलिए भी लीवर की हेल्थ अच्छी चाहिए अंडे की एक्सेल क्वालिटी अच्छी मिलने के लिए। और दूसरी चीजें कौन सी है, विटामिन B12 है, कोलिन है, फोलिक एसिड है, विटामिन ई है, ये सारी चीजें क्या करती है कि लीवर का हेल्थ स्टिमुलेट करती है और लीवर को अच्छी कंडीशन में रखती है ताकि बर्ड से अपने को अच्छा प्रोडक्शन मिले और लंबे समय तक बर्ड अच्छी तरह से अच्छी एक्सेल क्वालिटी वाले अंडे आपको मिल जाते हैं। अभी बर्ड्स को हम जब भी फीडिंग करते हैं तो उसके ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये मैनेजमेंटल चीजें है। फीडिंग का क्या होता है, फीडिंग का असर मिनरल सप्लाई होता है। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मॉर्निंग में सुबह में जो बर्ड खाता है 12-1 बजे तक वो खाता है एनर्जी के लिए, और दोपहर के बाद में जो बर्ड फीड कंजम्पशन करता है वो करता है कैल्शियम के लिए। इसलिए बहुत बार जो भी बाहर के देशों में क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप का फीड बनाते हैं, सुबह का फीड एनर्जी वाला, शाम दोपहर का फीड कैल्शियम वाला, लेकिन हमारे पास में उतना हम मैनेज कर नहीं सकते इसलिए एक ही फीड दे देते हम। तो इसका मतलब क्या है कि हमको फीडिंग के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो मॉर्निंग में आप जो भी आपका फीड कंजम्पशन है, समझो 100 ग्राम का फीड कंजम्पशन है बर्ड का, तो उसमें से 40% फीड आप सुबह दे दो, और सुबह देने के बाद में दोपहर में 1-1.5 घंटा बिल्कुल फीडर खाली होनी चाहिए, ये देख लीजिए। उसके बाद में दोपहर में आप उसको 60% जो बचा हुआ फीड है वो दे दीजिए, और ये 60% फीड आपको दोपहर में डिसाइड कैसे करना है कि समझो आपका लाइट जब भी बंद हो जाता है उसके पहले 6-7 घंटा मिलना चाहिए। मतलब अगर आप 10 बजे लाइट रात में बंद करते हैं तो ये बर्ड को वो फीड कभी मिलना चाहिए, 3 बजे मिलना चाहिए। 9 बजे करते हैं तो आपके बर्ड को फीड 2 बजे मिलना चाहिए, 2 से लेकर 3 बजे तक। तो वो हिसाब से प्लानिंग करना जरूरी है। और सभी कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी के सीजन में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो फीड कंजम्पशन ड्रॉप होता है, तो वो सीजन के लिए आप 1-2 घंटा रात में बर्ड्स को लाइट दे सकते हैं, और वो लाइट देते हैं तभी आप बर्ड्स को फीड डालेंगे। अगर बर्ड्स के सामने है तो फीड कंजम्पशन हो जाता है, फीड कंजम्पशन मेंटेन हो गया तो आपका फिर प्रोडक्शन भी ड्रॉप नहीं होता। और ये कभी होना चाहिए जैसे कि आप समझो 10 बजे लाइट बंद कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि लगभग आप 1:30-1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप लाइट चालू करें पुनः, और उसमें बर्ड को फीड खाने के लिए मोटिवेट करें। तो वो हिसाब से ये प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है अच्छे प्रोडक्शन के लिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे बर्ड जितना भी खाना खाती है उससे लगभग 3 गुना पानी पीती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये, जैसे कि बर्ड को एनर्जी, प्रोटीन, लाइसिन, मिथियोनिन या कैल्शियम, फास्फोरस लगता है, उसी हिसाब से बर्ड को पानी भी लगता है। ताकि मैं तो बोलता हूं कि पानी तो 1 नंबर पे होना चाहिए,
तो इसीलिए बर्ड्स को क्लीन सैनिटेशन पूरा किया हुआ पानी दीजिए, जिसका पीएच मेंटेन रखिए, उसका एमपीएन काउंट मतलब कोला अकाउंट वगैरह कंट्रोल में रहना चाहिए, बीच बीच में उसको लेबोरेटरी में भेज के टेस्ट करिए, पाइपलाइन फ्लशिंग करिए, हर 15 दिन में पाइपलाइन फ्लशिंग करिए, महीने में एक बार टैंक क्लीन कर दीजिए, और पानी हमेशा मिलना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, लिवर टॉनिक है या कुछ दूसरी दवाई विटामिन ई वगैरह देते हैं पानी में, तो निप्पल ब्लॉक होते जाते हैं, तो पानी बर्ड्स को नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या है कि कौन सी भी दवाई देने के बाद में आप पाइपलाइन को फ्लश करें तो आपके बर्ड्स को पानी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे प्रोडक्शन के लिए। और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि फीड प्रोडक्शन कैसे अपन करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। फीड प्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सारे आपके बर्ड्स का प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। इसलिए आप अच्छी क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी वाले मेडिसिन एडिटिव्स ले लीजिए, इन्वेंट्री मेंटेन कीजिए, थोड़ा स्टॉक आपके पास रहने दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हाइटेज खत्म हो, आप फीड कैसे बनाए, 2 दिन वैसे ही बनाया, तो उसका असर प्रोडक्शन के ऊपर हो जाता है। फिर अच्छी तरह से आपके पास में जो भी लेबर्स सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं फीड मिल में, उनको ट्रेनिंग दे दीजिए कि अच्छी तरह से मिक्सिंग पैचिंग वेइंग ग्राइंडिंग के ऊपर ध्यान रखें, और ज्यादा से ज्यादा लेयर्स में ध्यान ये भी रखना जरूरी है अच्छे प्रोडक्शन के लिए कि वेरिएशन ज्यादा ना हो। नहीं तो आज मेज डाला, कल बाजरा डाला, परसों फिर ब्रोकन राइस डाल दिया है, फिर परसों जवार डाला, फिर चेंज किया, फ्रिक्वेंट या लगातार ज्यादा चेंजेस मत कीजिए फीड में। अगर एक आध चेंजेस आपने किया है तो कम से कम 8-10 दिन रुकिए, उसका असर क्या आता है देखिए, उसके बाद में आप चेंज कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फीड तैयार करते टाइम कौन सा है, तो प्रीमिक्सिंग का है, तो प्रीमिक्स अच्छी तरह से तैयार करिए, या अगर आप रेडीमेड प्रीमिक्स ले लेते हैं तो उसके ऊपर में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बर्ड्स को जो मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स लाइसिन मिथियोनिन कैल्शियम फास्फोरस मिलना चाहिए, वो सारा वो प्रीमिक्स में होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रीमिक्स अच्छी तरह से देख के ये करके ले लीजिए, और अगर आप खुद बना रहे हैं तो उसका वजन बराबर होना चाहिए, बैचिंग बराबर होना चाहिए, उसका मिक्सिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, उसमें कोई भी खराबी या ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और जब भी हम मिक्सिंग करते हैं प्रीमिक्सिंग करते हैं तो उसमें प्रीमिक्सिंग और होमोजिनस मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है प्री प्रीमिक्स अपने फीड मिल में बनाना इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है। उसमें अगर एक भी गलती हो गई, अगर 100 ग्राम की फाइटेज नहीं डाली तो आपके बर्ड्स में दिक्कत आने की संभावना रहती है। फिर प्रीमिक्स बनाना आपको हाइजीनिक वे बनाना चाहिए, उसमें कौन सा भी इन्फेक्शन प्रीमिक्स के माध्यम से बर्ड्स को नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते प्रीमिक्स बनाना चाहिए। दूसरी चीज कह रहे थे इम्प्रॉपर मिक्सिंग, अगर आप मिक्सिंग का टाइम समझो 6 मिनट का टाइम है, आप 8 मिनट करोगे या 5-4 मिनट करोगे, तो दोनों भी गलत है। ज्यादा मिक्सिंग अगर आप ज्यादा मिक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, जो वजनदार आइटम रहते हैं जैसे डीसीपी है एलएसपी है, वो आपके मिक्सर के बॉटम में सेटल हो जाएगा, और जो भी आपके पास में अगर मिक्सिंग का टाइम कम दे रहे हो तो मिक्सिंग बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसी हिसाब से प्रॉपर मिक्सिंग करना जरूरी है, और ये इंश्योर करना चाहिए हमको कि बराबर सब पूरा का पूरा, अगर समझो आपका 500 किलो का मिक्सर है या 200 का है, 100 एक टन का है, तो सारे के सारे फीड में सारी चीजें बराबर तरीके से एक जैसे मिक्स हुई है क्या नहीं है, ये चीजें भी ध्यान में रखना बैलेंस फीड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी और एक चीज इम्पोर्टेंट रहती है कि जैसे माइकोटॉक्सिन, आजकल बहुत सारे टाइम पे हमारे पास में तकलीफें आती है, कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ बिना मॉर्टेलिटी किए हुए भी बर्ड्स में क्या होता है एक प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसका कारण हो सकता है माइकोटॉक्सिन्स आ रहे हैं लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं हो रही इसलिए हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। इसीलिए अच्छा माइकोटॉक्सिन बाइंडर राइट फ्रॉम अगर बर्ड्स आते हैं ब्रूडिंग के टाइम से लेके लगभग 25 हफ्ते तक तो देखना जरूर डालना बहुत जरूरी है अच्छी क्वालिटी वाला माइकोटॉक्सिन बाइंडर। तो माइकोटॉक्सिन कंट्रोल अच्छी तरह से होना चाहिए, वैक्सीनेशन अच्छी तरह से जो भी प्रूवन है वो वैक्सीन करो, उसके लिए आपके फार्म पे क्या सूट करता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम
वो आपके जो भी कंसल्टेंट रहेंगे, आपके पास में जो भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए डॉक्टर आते होंगे, उनके साथ बात करके वैक्सीनेशन शेड्यूल डिजाइन कर दीजिए। वैक्सीन बराबर तरीके से दीजिए, पानी में देते हैं तो भी प्रिकॉशन क्या लेना है क्या नहीं लेना, वैक्सीन ठंडा रखना चाहिए, सब बर्ड्स को मिलना चाहिए। और कोई भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे कि फिबोसेल है वो आप फीड में डाल के रखिए ताकि आपके बर्ड्स का इम्यूनिटी डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, तो बर्ड्स में बीमारियां या बाकी डिसीजेस कम आएंगे और बर्ड्स के प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका असर नहीं होगा। और जब भी आप वैक्सीनेशन करते हैं, स्पेशली जो इंजेक्शन करते हैं, तो उसके बाद में आप 1 से लेकर 2 ग्राम फीड बर्ड को 1 दिन के लिए ज्यादा दे दीजिए, तो बर्ड्स को जो भी स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस कम हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, जो ज्यादा फीड देंगे तो वो फीड में से जो भी प्रोटीन अमाइनो एसिड मिलेंगे उसका बर्ड्स यूटिलाइज कर सकता है अच्छी तरीके से एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए। तो वो हिसाब से वैक्सीनेशन के बाद में 1 दिन आपको 1 से 2 ग्राम ज्यादा फीड पर बर्ड देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बायो सिक्योरिटी। हमारे वेनवर्ल्ड कनेक्ट यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत सारे बायो सिक्योरिटी के वीडियो देखे होंगे, डॉक्टर विश्वास साहब ने बनाए हुए, तो इसमें ये बायो सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप बायो सिक्योरिटी अच्छी तरह से रखिए, फिर आप जो भी रैट्स है इनका, रोडेंट्स है इनका कंट्रोल अच्छी तरह से रखेंगे, और कम से कम एंटीबायोटिक का यूज करो। कम से कम एंटीबायोटिक जब भी जरूरी है तभी दे दो, नहीं तो क्या हो जाता है कि अगर हम थोड़े प्रॉब्लम्स के लिए भी एंटीबायोटिक देंगे तो क्या हो जाता है, जब अपने पास में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तकलीफ बढ़ जाती है, तभी कौन सा भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो इसलिए जितना हो सके उतना एंटीबायोटिक कम से कम यूज कीजिए। तो ये था बर्ड्स के मैनेजमेंट के बारे में कि क्या करेंगे तो हमको अच्छी तरह से ये प्रोडक्शन मिलेगा। मुझे पता है कि ये सारी चीजें इतने छोटे प्रेजेंटेशन में या वीडियो में बात नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम आगे जाके स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जैसे कि एक साइज कैसे बढ़ाना है, मेंटेन करना है, फिर एक सेल क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए, पुलेट ग्रोइंग कैसे करना चाहिए अच्छे तरह से, ब्रूडिंग में क्या करना चाहिए, इसके बारे में अपन लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये सारा करने के बाद में आपको डेफिनेटली बर्ड्स का एक प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, और क्योंकि ये बर्ड्स की उतनी कैपेसिटी है, जेनेटिक पोटेंशियल है ये बर्ड में। BV300 जो बर्ड है जिसको हम बहुत प्यार से द एग मशीन बोलते हैं, तो ये बर्ड आपको लगभग 374 अंडे आपको 80 हफ्ते तक दे देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसको एक अंडे के लिए 125 ग्राम फीड ऑन एन एवरेज लगता है, 96-97% पीक मिल जाता है, 36 वीक से ज्यादा इसका प्रोडक्शन 90% के ऊपर रहता है, और 50% प्रोडक्शन इसका आपको 20 या 21 हफ्ते में मिल जाता है। तो ये सारी खूबियां है आप सभी को मालूम है। तो समराइज या सारांश बताने के लिए मैं यही चाहूंगा कि आपको अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलना है और अच्छा हमको हमारे जो भी हम फार्मिंग कर रहे हैं, लेयर फार्म फार्म चला रहे हैं, उससे अपने को अच्छा तरह से प्रॉफिट मिलना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप क्वालिटी पुलेट तैयार कीजिए, वहां पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। दूसरी चीज, बर्ड्स का जो भी न्यूट्रिएंट्स बर्ड को जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कीजिए। फीड अच्छी तरह से तैयार कीजिए, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, बैचिंग, वेइंग, इसके ऊपर ध्यान रखिए, क्वालिटी रॉ मटेरियल के ऊपर ध्यान रखिए, प्रीमिक्स के ऊपर ध्यान रखिए, और बर्ड्स का जो हेल्थ है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करिए। जैसे कि वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करें, आपके एरिया के हिसाब से आप वैक्सीनेशन शेड्यूल, आपके कंसल्टेंट या आपके पास में टेक्निकल सर्विसेज वाले जो भी डॉक्टर आते हैं वेंकटेश्वर आके, उनके उनसे बात करके आप वैक्सीनेशन शेड्यूल डिसाइड कर दीजिए। फिर उसके साथ साथ में आप बायो सिक्योरिटी अच्छी तरह से रखिए, स्प्रे किए करिए, सारा शेड शेड के अंदर शेड के बाहर साफ सुथरा क्लीन रखिए ताकि आपके बर्ड्स में इन्फेक्शन ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जितना हो सके उतना बर्ड्स को कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि गर्मी में आप फॉगर लगाइए, स्प्रिंकलर लगाइए, आपके पास में अगर पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, तो ये चीजें भी कर सकते हैं कि ताकि शेड का टेम्परेचर कम रहे और बर्ड्स को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि
कि ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई, ये डेफिनेटली आपके बर्ड्स को अच्छा एक प्रोडक्शन मिलने के लिए आपको मदद करेंगी। इतना बोलने के बाद में मैं मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम करेंगे एक नया टॉपिक लिए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।